श्रद्धालुओं से ओवरलोड टेम्पो गोवर्धन मथुरा मार्ग स्थित सिद्धि विनायक महाविद्यालय के समीप अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 5 यात्री घायल हो गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बुधवार की देर शाम एक टेम्पो मथुरा से सवारी लेकर गोवर्धन की ओर आ रहा था। क्षमता से अधिक सवारियां होने पर ओवरटेक करते समय टेम्पो सिद्धि विनायक महाविद्यालय के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में निर्मला 57 वर्षीय पत्नी राज सिंह, विमला पत्नी 55 करतार मूर्ति, 50 वर्षीय पत्नी सुरेश रोशनी, 60 वर्षीय पत्नी रमेश सुरेश, 60 वर्षीय पुत्र मंगीलाल निवासी गण बहादुरगढ़ घायल हो गए, जिन्हें 112 डायल पुलिस ने उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिसकी जानकारी देते हुए गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने मीडिया की टीम को बताया। सर, जैसे कि अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया, जिसमें कुछ घायल लोग आए हुए हॉस्पिटल आए हुए थे, क्या कुछ मामला था? ये पीआरबी से अभी 7:05 पे हमारे यहाँ पे लगभग 5 मरीज आए थे, जो कि बहादुरगढ़ हरियाणा के बताए जा रहे थे, जिसमें से 4 महिलाएं और एक पुरुष था, और उनके सर इत्यादि में चोट थी। एक महिला जिसका नाम विमला है, उनके कान के अंदर लसरट वुंड था, जिसके तहत उसको हमने संदर्भित कर दिया जिला चिकित्सालय मथुरा एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, और साथ में उनके एक पुरुष था जिसके हल्की सी चोट थी, सुरेश नाम के, उनको 108 से हमने भेज दिया। पीआरबी द्वारा यहाँ पे लाया गया था मरीज, उनका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात हमारी टीम के द्वारा उनको जिला चिकित्सालय संदर्भित कर दिया गया।